कि कौन से देश इम्पोर्टेंट है। देखिए 195 कंट्रीज कवर करना बड़ा ही मुश्किल है, ये सभी जानते हैं, इसीलिए अपन वो पढ़ेंगे जिनकी पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज, किसी भी पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज 95% या उससे ज़्यादा है। जैसे कि कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, जैसे कि स्टैटिक जी के हर एक जो पेपर है इंडिया के अंदर, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंटर का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी हो, सभी जगह कवर होती है। लेकिन उसको कवर करने का जो तरीका है वो एक ही होता है, हर एक पेपर बनाने वाले का जो एक मोटिव होता है क्वेश्चन डालने का वो एक ही होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एक यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए, यूपीएससी का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो उसका पेपर होता है एक आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, तो इसके अंदर पूछा गया लास्ट ईयर की कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि रोमानिया की बॉर्डर से अटैच होती है, और एक इसके अंदर ऑप्शन था टर्की का। तो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी का जो पेपर है ये आईएएस का, इसके अंदर इन्होंने रोमानिया से इसको अटैच करके टर्की के बारे में पूछ लिया। अब ये देखने में टॉपिक जो है ये लगता है स्टैटिक जीके का, कि आपको रोमानिया के आसपास, यूरोप के आसपास, ये सब कंट्रीज के आसपास पता होना चाहिए कि टर्की कहाँ पर है। लेकिन अगर आप थोड़ा थरो स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि टर्की को रिलेट किया गया है करंट अफेयर से। ये स्टैटिक जीके का है लेकिन इसको करंट अफेयर से रिलेट किया गया है। जैसे कि अभी सीरिया में आए, अपने पिछले साल देखा होगा आईएसआईएस की वजह से काफ़ी सारे पलायन हुए, काफ़ी सारे लोग देश छोड़ के चले गए। तो जो देश छोड़ के वो जब जो गए हैं यूरोप के अंदर, वो सब टर्की के रास्ते से गए हैं। तो टर्की बिकेम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। जो टॉपिक करंट अफेयर्स में आएगा, जो काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, काफ़ी हलचल में रहेगा, पॉसिबिलिटी है 95% और उसके ऊपर स्टैटिक जीके के जितने भी सवाल है आप जो यहाँ देख रहे हैं, जितने भी सवाल है ये पूरी लिस्ट में, ये सब इन्हीं में से आएंगे, वैसे ही रिलेट करके पूछे जाएंगे जो कि न्यूज़ के अंदर चल रहा है। वैसे ही ये था यूपीएससी की। वैसे अगर आप एक बात एक देख लीजिए, राजस्थान के अंदर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का, उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का सवाल पूछा गया। तो देखने में ये लगता है सवाल की हिस्ट्री का सवाल है, इतिहास का सवाल है, लेकिन सच देखेंगे अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा कि ये वल्लभ भाई पटेल के बारे में इसलिए पूछा गया क्योंकि पिछले 1-2 साल से वल्लभ भाई पटेल जी को लेके काफी ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर। देश में काफी नाम आया है पटेल जी का, क्योंकि एक गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया उनके नाम के ऊपर, काफी ज्यादा इनको नाम को उछाला गया। तो क्वेश्चन आना वाजिब था, स्टैटिक जीके को रिलेट किया गया पटेल जी से। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी ले लीजिए या फिर कोई छोटा सा पेपर ले लीजिए, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर ले लीजिए, पेपर बनाने वाले का जो मोटिव है वो सेम होता है कि स्टैटिक जीके को हम रिलेट करें करंट अफेयर्स से। तो ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। और उसी तरीके से आज हम एक और जो अपना पहला टॉपिक है करेंसी कैपिटल कंट्री, इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पॉसिबिलिटी है 95% क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में से आता है, जो कि मेजरली पेपर में आता है, चाहे आप कोई सा भी पेपर देख लीजिए, एसबीआई पीओ देख लीजिए, आईबीपीएस देख लीजिए, आरआरबी देख लीजिए, आरबीआई का देख लीजिए, एलआईसी देख लीजिए, कोई भी लोकल स्टेट बोर्ड का देख लीजिए, सभी में आता है स्टैटिक जीके के सवाल आएंगे ही आएंगे, और अगर आएंगे तो वो रिलेट किए जाएंगे प्रेजेंट से। ओके, जो न्यूज़ में होंगे, जहाँ पे कुछ बातें हुई होगी कंट्री को लेके, कुछ इश्यूज हुए होंगे, उन्हीं से रिलेट किया जाएगा। तो हम सारे दुनिया के कंट्री को कवर करने के बजाय क्यों ना वही देशों के बारे में पढ़ा जाए, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने देश के पेपर के लिए है वो होता है अपने देश की टाइप्स, अपने देश के जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ कहाँ देशों में गए और वहाँ कौन कौन सी इम्पोर्टेंट संधियाँ हुई, एग्रीमेंट्स हुए, कौन कौन से वहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, ये सब चीज़ें। तो हम देखेंगे कि पीएम मोदी ने पिछले 2015 में 26 कंट्रीज की विजिट करी और जुलाई 2016 तक 14 या उससे ज़्यादा 14 के आसपास कंट्रियों की विजिट करी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो नियर बाय 40 कंट्री हैं इनको स्टडी किया जाए, यहाँ पे क्या क्या हुआ है वो स्टडी किए जाए, और साथ में देखा जाए कि वहाँ की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो यही है जो कि इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके में। अगर पहला टॉपिक से, अगर इस वाला पहला टॉपिक से अगर कुछ कवर होता है तो वो इसी में से होएगा। और साथ में एक टॉपिक और इसमें अपन देखेंगे पीएम मोदी की विजिट के अलावा टेरिस अटैक का, कि कौन कौन से कंट्री में टेरिस अटैक की वजह से वो फेमस हुई है, न्यूज़ में आई है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं पीएम मोदी की जो विजिट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा,
अगर आप ये सब ही याद कर गए, इतने ही देशों की करेंसी और कैपिटल, जो कि करेंसी याद करने के मैं आपको तरीके भी बताऊंगा आखिरी में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी देश की कैपिटल करेंसी को रिकग्नाइज करना। साथ में अपने को जो मटेरियल है, जो पढ़ने का, जो वो 195 कंट्री से घट के सिर्फ 40-45 कंट्री तक रह गया है, जिसमें से आधी से ज़्यादा तो आपको पता होगी ऑलरेडी, बहुत कॉमन कॉमन कंट्री है। तो स्टैटिक जीके का आपका जो पहला टॉपिक है, ये वहीं से कवर अप हो जाएगा बहुत आसानी से। तो अपन स्टार्ट करते हैं पीएम मोदी की विजिट से, जो कि अपन देखेंगे पहली जो ईरान, ईरान से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तहरीन, और जो उसकी करेंसी है वो है रियाल। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो एक छापर बोर्ड बनाया एक इंडिया ने वहाँ पे, एल्यूमिनियम प्लांट बनाया, और एक रेल का रेल एग्रीमेंट हुआ अपना जो कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को। ये देखिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, तो इम्पोर्टेंट अपने क्या हो जाता है, ये छाबर पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि छाबर पोर्ट कहाँ पे बनाया गया, किस कंट्री ने बनाया है, कौन सी कंट्री में बनाया है। ये अपन ने ईरान में बनाया है, ओके। और ये अपन ने बनाया है चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए, जो कि चाइना ने पाकिस्तान में ना एक ग्वादर पोर्ट नाम से पोर्ट बनाया है, उसके पीछे अपन ने एक छाबर पोर्ट बनाया है। तो ये अपने लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है छाबर पोर्ट, ओके। और ईरान की जो कैपिटल है वो तहरीन है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रियाल चलती है। वैसे सऊदी अरेबिया में भी रियाल चलती है, आप दूसरे देखिए, वापस देखिए, सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो रियाद है, और जो करेंसी है वो रियाल है। ईरान की और सऊदी की दोनों की करेंसी रियाल ही है। उसके बाद उनका बेल्जियम में विजिट हुआ, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स, जहाँ पे टेरिस अटैक भी हुआ था कुछ टाइम पहले, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वजह से। और साथ में जो यूरोप का एक मेंबर है ये कंट्री, तो इसके वजह से यहाँ पे करेंसी है यूरो। और यहाँ पे जो मोदी जी गए थे वो गए थे इंडो ईयू समिट के लिए, इंडो यूरोपियन यूनियन समिट के लिए, ओके, 2015 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था अपने लिए कि कौन सी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कौन से देश में हुई थी, इंडो ईयू जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन समिट कहाँ पे हुआ था। तो ये बेल्जियम में हुआ था, ब्रुसेल्स में हुआ था। उसके बाद बहुत ही फेमस जो एक विजिट थी वो थी पाकिस्तान की, जो कि बताया गया कि बिन बताए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चले गए थे। तो पाकिस्तान की सभी को बताया कैपिटल इस्लामाबाद है और करेंसी रुपया है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अपन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान पड़ता है, जो कि भारत से काफ़ी अच्छी मित्रता के लिए जाना जाता है। तो अपन देखेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपन ने पार्लियामेंट और सलमा डैम, ये दो चीज़ें वहाँ पे बनाई है। तो अफगानिस्तान के अंदर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि पार्लियामेंट इंडिया ने कौन से नए पार्लियामेंट बनाई है, कौन से देश के लिए बनाई है, या फिर पीएम मोदी ने कौन से पार्लियामेंट का इनाग्रेशन किया है। तो ये जो कंट्री था जहाँ पे इसका इनाग्रेशन किया गया था वो था अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान, ओके। उसके बाद में सलमा डैम, ये एक डैम है जो कि इंडिया ने बनाया है वहाँ के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और ये भी भारत ने ही बनाया है अफगानिस्तान के लिए। तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन इंडिया ने करे हैं अफगानिस्तान के लिए। तीसरा बाद में देखेंगे रशिया, रशिया की कैपिटल मॉस्को और यहाँ की करेंसी रूबल। रशिया और बेलारूस ये दो कंट्री हैं, दोनों की ही करेंसी रूबल है, रूस से रशिया, बेलारूस से बीएलई, ओके। तो ये दोनों ही कंट्री की जो है करेंसी है वो रूबल है। उसके बाद सिंगापुर का विजिट हुआ, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, और यहाँ पे करेंसी सिंगापुर डॉलर, ओके। यहाँ के जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए वो सारे टेक्नोलॉजी को लेके हुए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखेंगे मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर और करेंसी मलेशियन रिंगगिट। और यहाँ पे स्टैचू, एक स्वामी विवेकानंद का स्टैचू का इनाग्रेशन किया पीएम मोदी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा देश है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया, ओके। तो ये मलेशिया है, मलेशिया के अंदर किया गया था इसी विजिट के अंदर। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। उसके बाद में यूके, यूके की कैपिटल सभी को बताया, जो कि इंग्लैंड की भी है, लंदन, और यहाँ पे करेंसी पाउंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई छोटे पेपरों में क्वेश्चन आने के लिए, क्योंकि अभी अभी इसने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया है, बाहर निकला है ये देश, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे टर्की, टर्की अंकारा इसकी कैपिटल है, जो कि लोगों को लगता है इस्तांबुल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे जो फेमस सिटी है टर्की की वो इस्तांबुल है, लेकिन जो इसकी कैपिटल है वो अंकारा है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आपके लिए।
जो इसकी करेंसी है वो है लीरा, और जो डिस्क्रिप्शन में अपन देखेंगे कि यहाँ पे G20 समिट हुआ था, G20 समिट 20 देश थे उनका समिट हुआ था जिसमें से भारत एक है, तो इनका जो समिट हुआ था वो हुआ था अंकारा में, जो कि कैपिटल है किसकी, टर्की की। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट, सभी को पता है बहुत फेमस कंट्री है, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC, इसकी करेंसी डॉलर जो कि दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद में आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन और करेंसी यूरो, क्योंकि ये भी एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है देश और इसकी कैपिटल और उसकी करेंसी, क्योंकि यहाँ पे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, जिन्होंने 59 ईयर के अंदर विजिट कराया, यानी कि पिछले 59 सालों से देश का कोई भी प्रधानमंत्री आयरलैंड नहीं गया, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आयरलैंड कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 59 सालों में पहली बार कौन से देश की यात्रा करी, तो वो आयरलैंड है जिसकी कैपिटल डबलिन है और करेंसी यूरो है। उसके बाद देखेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम, और यहाँ पे शेख मोहम्मद शेख जायद मॉस्क्यू का क्या विजिट किया था पीएम मोदी ने, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शेख जायद मॉस्क्यू कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, तो अगर ऐसा सवाल आता है कि शेख जायद मॉस्क्यू कहाँ पर है तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है और लगता है कि इस क्वेश्चन को छूट दिया जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि अगर इसको अगर आप करंट अफेयर से स्ट्रैटेजी जीके को मिलाएंगे, जो कि पेपर में 95% ऐसा ही होता है, आप चाहे कोई से भी 10 साल के पेपर किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी बोर्ड का पेपर या फिर कोई सा भी UPSC से लेकर कोई सा भी स्टेट बोर्ड का उठाएंगे, तो 95% आपको यही एनालिसिस करने को मिलेगा कि इसी तरीके से पेपर डिजाइन किया जाता है। तो शेख जायद मॉस्क्यू पूछते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पीएम मोदी गए थे, उसका विजिट किया था, जो कि यूएई के अंदर है, यूएई जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट जो सिटी है वो है दुबई, जिसको लोगों को लगता है दुबई इसकी कैपिटल है, लेकिन ऐसा नहीं है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। उसके बाद में सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया है उसकी विजिट की गई, यहाँ पे 5 देशों की कुछ ही दिनों में विजिट की गई, जो कि है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान। तो जिसके अंदर से आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने के लिए ज़रूरत है, वो है उज्बेकिस्तान का ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद इसकी कैपिटल है और सोम नाम की इसकी करेंसी है, सोम उज्बेकिस्तान कंट्री है, कैपिटल उसकी ताशकंद है और करेंसी है सोम। तो बाकी सब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रशिया तो सभी को पता है मॉस्को और इसकी रूबल, इसकी करेंसी है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो उज्बेकिस्तान का याद रखना ज़रूरी है, बाकी आप चाहे तो एक बार छोड़ सकते हैं, बाकी 5 देशों की यात्रा एक साथ करी गई थी। उसके बाद में रशिया, रशिया की पता ही आपको, अभी अभी मैंने बताया मॉस्को इसकी कैपिटल है और रूबल इसकी करेंसी है, और यहाँ पे मोदी जी गए थे 2 चीज़ें अटेंड करने के लिए, 7th BRIC समिट और SCO समिट। ब्रिक आपको पता ही है 5 देशों का समूह है, ये एस भी आता है यहाँ पे, ब्रिक्स, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं जिससे ब्रिक्स नेशन बनते हैं, और उनका 7th समिट हुआ था, और जो 8th समिट इसका जो होएगा वो गोवा में होएगा, ये भी याद रखने वाली बात है, जो होएगा ये गोवा में होएगा, ओके। और उसके बाद में जो अगली थी वो थी SCO, SCO समिट, शंघाई कॉपरेशन। तो ये 2 जो समिट है, अगर पूछा जाए कि कहाँ हुए थे, तो ये रशिया में हुए थे, जिसकी कैपिटल मॉस्को है और करेंसी रूबल है। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश की अपना नेबरिंग कंट्री है, और नेबरिंग देशों के जो करेंसी और उनकी कैपिटल जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे देश आपस के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दों के ऊपर इनका न्यूज़ में बना रहना होता है, आते रहते हैं न्यूज़ में, जैसे नेपाल है, नेपाल की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, क्योंकि तो वहाँ पे भी कई सारे जो डॉक्यूमेंट इसको डेमोक्रेसी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी इश्यूज रहते हैं, तो जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो ये सब देश अपने लिए जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ये सारे जो आसपास अपने 5-6 देश हैं इन सब के आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी श्रीलंका है, उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और जो करेंसी है वह टका। उसके बाद चाइना, चाइना की कैपिटल सभी को पता है बीजिंग, और जो करेंसी है वो है युआन। देखिए युआन, युआन का नाम एक और है रेनमिनबी, अभी आ गया पर मैं आपको बताऊंगा, रेनमिनबी तो युआन बोलिए या रेनमिनबी बोलिए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही देश की करेंसी है, जैसे अपने यहाँ पे रुपया और पैसा है वैसे वहाँ पे युआन रेनमिनबी है।
युआन और एक येन, येन नाम की एक और करेंसी है जो कि जापान की है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने से बचना है कि येन किसकी है और युआन किसकी है। ओके, उसके बाद मंगोलिया। मंगोलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मंगोलिया की जो कैपिटल है वो उलर बतार है, करंसी इसकी तुगरिक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ देश में ये पहले प्रधानमंत्री थे मोदी जी जिन्होंने मंगोलिया की विजिट करी है। देखिए, पहली विजिट पूरे आज़ाद होने के बाद में पहले प्रधानमंत्री या पहले अपने देश के प्रधानमंत्री की विजिट किसी देश को लेकर अगर होती है तो सवाल बनना जायज है, कई पेपरों में आएगा। मंगोलिया, मंगोलिया से या तो कैपिटल आएगी या फिर उसकी करेंसी आएगी, या ये आएगा कि कौन सी ऐसा देश है जहाँ पे भारत के पहले प्रधानमंत्री पिछले सालों ऐसे बने जिन्होंने पहला विजिट किया, तो वो मंगोलिया है। तो ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। उसके बाद में देखेंगे अपन साउथ कोरिया, जो कि बहुत ही संपन्न देश है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो इसी देशों से ताल्लुक़ रखते हैं, गाड़ियों के स्पेशली सैमसंग वैमसंग देखेंगे आप, सैमसंग मोबाइल फ़ोन कंपनी, ये सब साउथ कोरिया की है। तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है और यहाँ की जो करेंसी है वो वॉन है। वॉन दोनों की करेंसी है, नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया हो, दोनों की करेंसी कोरिया ही, दोनों की जो करेंसी है वो वॉन ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस और इसकी करेंसी यूरो, क्योंकि ये भी एक यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राफेल फाइटर प्लेन्स का टैग हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो इंडिया ने जो राफेल 36 राफेल फाइटर प्लेन मांगे हैं, जिसकी मैन्युफैक्चर जो करेगा वो करेगा डेसॉल्ट, डेसॉल्ट मैन्युफैक्चरर एक ही कंपनी है जो कि राफेल को बनाती है। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि राफेल जो विमान है, फाइटर प्लेन है, वो कौन से देश से लिए जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस में अटैक हुए हैं, ISIS के अटैक हुए हैं। तो अगर किसी भी छोटे पेपर में ये पूछ लिया जाए, किसी भी स्टेट बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाए कि फ्रांस और उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप बर्लिन, उसके बाद जर्मनी। जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन और करेंसी जो है वो है यूरो, क्योंकि ये भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। उसके बाद कनाडा। कनाडा में देखिए बहुत फेमस फेमस सिटी है, वैंकूवर आपने नाम सुना होगा, लेकिन जो इसकी कैपिटल है, जो इसकी कैपिटल है वो है ओटवा। तो ये याद रखने वाली बात है कि कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटवा है, ना कि वैंकूवर वैंकूवर है, वैंकूवर नहीं है। और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर ही है, जिसको कैनेडियन डॉलर बोलते हैं। और ये भी किसी भारत के प्रधानमंत्री की बायलेटरल विजिट थी 42 ईयर में। देखिए, बायलेटरल का मतलब होता है सिर्फ एक देश से दूसरे देश के बीच में ही वहाँ पर बात हुई हो। ओके, बाय बाय का मतलब दो होता है, दो देशों के बीच में। हालांकि जो मनमोहन सिंह थे वो कनाडा गए हैं पहले भी विजिट के लिए, लेकिन वो बायलेटरल के लिए नहीं गए, बायलेटरल विजिट नहीं थी वो उनकी, जिनको द्विपक्षीय विजिट बोलते हैं, तो वो नहीं थी उनकी। तो जो पिछले 42 सालों में जो पहली ऐसी बायलेटरल विजिट हुई है वो पीएम मोदी ने करी है लास्ट ईयर, जो कि कनाडा के अंदर ओटवा, ओटवा इसकी जो कैपिटल है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि कनाडा की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, कंफ्यूज करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। ओके, उसके बाद देखेंगे आपकी तीन देशों की एक साथ यात्रा करी गई इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन के में जो देश है तीन, इन तीनों की यात्रा की गई एक साथ, जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। जो कि अपन देखेंगे पहले श्रीलंका आता है, उसके बाद मालदीव आता है, फिर सेशेल्स, फिर मॉरिशस, फिर मतसागर, तो ये अपन देखेंगे। तो इन तीनों की जो यात्रा करी गई वो इसलिए करी गई क्योंकि इंडियन ओशन में भारत नहीं चाहता चाइना को, चाइना का बिजनेस बढ़ाना या फिर चाइना वहाँ पे आके अपना बेस बनाए या कोई भी ऐसा काम करे जिससे भारत को फ्यूचर में दिक्कत हो। तो तीनों देशों की विजिट करी गई उसको काउंटर अटैक करने के लिए, कि इंडियन ओशन में भारत का जो जो इम्पोर्टेंस है वो कायम रहे। तो यहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट्स हुए, कई सारे देशों ने, इन्होंने भारत को सपोर्ट भी किया कि हम यहाँ पे किसी भी आदमी का कोई पोर्ट या फिर किसी तरीके से हम डेवलप नहीं होने देंगे किसी भी देश का। तो और भारत ने यहाँ पे इनको कई मदद भी दी है, कई टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई सारी मदद दी है। तो सेशेल्स देखेंगे, सेशेल्स छोटा सा आइलैंड है जिसकी कैपिटल जो है विक्टोरिया है, और तीनों देशों में रुपये ही चलता है, बस करेंसी एक नहीं है, वैसे अलग अलग है, लेकिन रुपये आप रुपये से याद रख सकते हो, जैसा कि अपना भी रुपये है, तो आप याद रख सकते हो कि तीनों भारत के जो नीचे के देश हैं इनमें जो रुपये ही इनकी करेंसी है। और इनकी जो कैपिटल है तो वो सेशेल्स की विक्टोरिया, मॉरिशस की पोर्ट लुइस और श्रीलंका की, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका की सभी को लगता है कोलंबो है,
लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो कोलंबो नहीं है। कोलंबो कुछ सालों पहले तक हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको बदल दी गई। तो अब जो इसकी कैपिटल है वो है श्री जयवर्धना पोरे कोटे। जयवर्धने, महिला जयवर्धने एक श्रीलंका के फेमस बैट्समैन भी थे, राइट हैंडेड बैट्समैन भी थे, जैसे कि भारत के राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर हैं, वैसे ही श्रीलंका के संगकारा और जयवर्धने हैं फेमस प्लेयर। तो आप जयवर्धने से याद कर सकते हैं कि जयवर्धने पोरे कोटे इनकी कैपिटल है। ओके, उसके बाद देखेंगे कतर, कतर की दोहा है कैपिटल। उसके बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की लगता है लोगों को जेनेवा है, लेकिन जेनेवा नहीं है, बर्न है। ओके, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई सारे चीज़ों को लेके टाइप्स हुए, जैसे टैक्स को लेके। दुनिया में सबसे बड़ा जो अभी टॉपिक, हॉटशॉट टॉपिक है, वो है ब्लैक मनी का। भारत में भी बहुत है, जब अपनी गवर्नमेंट बदली थी उससे पहले काफ़ी सारे बातें हुई थी ब्लैक मनी को लेके, और उसी को लेके, ब्लैक मनी को लेके कई सारी बातें की गई। स्विट्जरलैंड के अंदर कई सारे एग्रीमेंट्स हुए। स्विट्जरलैंड ने बोला कि अगर कोई देश चाहता है उसके सिटीजन की डिटेल्स जानना, उनके अकाउंट्स जो स्विस बैंक में जिनके अकाउंट्स हैं, तो स्विट्जरलैंड प्रोवाइड करवा देगा। ओके, तो इसीलिए स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखेंगे मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। मोजाम्बिक्यू, मोजाम्बिक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में अभी रिसेंटली मोजाम्बिक्यू की जो कैपिटल है मापोटा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से अपन ने पल्सेस इंपोर्ट कराई है। देश में दालों की थोड़ी सी कमी हो गई थी तो इसीलिए पल्सेस को यहाँ से मंगवाया गया है देश में, मोजाम्बिक्यू से रिसेंटली टाइप किया गया है। तो इसकी जो कैपिटल है वो माटुबा है। अब देखिए किसी पेपर के अंदर अगर मोजाम्बिक्यू की कैपिटल पूछ ली जाए तो बड़ा ही अजीब लगता है कि कोई साउथ अफ्रीका का कोई देश जिसका दुनिया में नाम बहुत कम है उसका पूछ लिया गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, अपन ने एक्सपोर्ट किया है दालों को। ओके, उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का लोगों को लगता है कि जोहान्सबर्ग कैपिटल है, जोहान्सबर्ग यहाँ की एक कैपिटल नहीं है, यहाँ पे तीन कैपिटल है। ओके, तीनों अलग अलग जगह पे, जैसे एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, ऐसे ही तीन कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, जिनका नाम है प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफोंटेन। ओके, उसके बाद देखेंगे तंजानिया। तंजानिया का डोटोमा, तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोटोमा। तंजानिया, डोटोमा, केनिया, नैरोबी, इनके करेंसी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ज़्यादा यहाँ पे एग्रीमेंट्स या फिर कोई ज़्यादा नहीं हुए हैं तो, लेकिन ये कैपिटल इंपॉर्टेंट है। तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोटोमा, और केनिया की नैरोबी। नैरोबी फेमस थी पहले, काफ़ी मैचेस हुआ करते थे इंडिया और केनिया के अंदर, नैरोबी के अंदर, जहाँ पे भारतीय एकादशी मैच हारा भी है और बहुत सारे इंडिया ने जीते भी हैं। उसके बाद देखेंगे वो सारे देश जो कि न्यूज़ में आए हैं अपने टेररिस्ट अटैक होने की वजह से, किसी ना किसी संगठन या किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और ये सारे देश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने अपने स्टैटिक जीके के लिए। तो जो पहला देश देखेंगे वो देखेंगे फ्रांस। फ्रांस में अटैक हुआ, पेरिस के अंदर अटैक हुआ था, पेरिस सिटी के अंदर, जिसको आईएसआईएस ने जिसमें अटैक करवाया था। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ज़्यादा एक्टिव है। ओके, तो इसीलिए अपने को एक बार पूरा देखना ज़रूरी है। ये जो सिटी है अटैक सिटी, ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक आपको ध्यान दिलाने के लिए है या याद दिलाने के लिए है कि कहाँ पे अटैक हुआ था। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो उनकी कैपिटल्स है। ओके, तो और ये कंट्रीज है, कंट्रीज और उनकी कैपिटल है सिर्फ। जैसे फ्रांस में जो अटैक हुआ था वो पेरिस में हुआ था, नाइजीरिया में हुआ, वो अबूजा में हुआ, यमन में हुआ, जो साना में हुआ, यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक थे जहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ लाइफ का, प्रॉपर्टी का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब न्यूज़ में ऐसी खबरें आती है तो पेपर बनाने वाले का यही होता है मकसद कि ये देखा जाए कि ये अखबार से कितने जुड़े हुए हैं, दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जिसको दुनिया लेके परेशान है, या फिर जिसको कोशिश करा जा रहा है कुछ बेहतर करने के लिए, उन चीज़ से बच्चे वाकिफ है कि नहीं है। तो बांग्लादेश की जो जो कैपिटल है वो सभी को बताया ढाका है, और ढाका में अटैक हुआ था जहाँ पे एक भारतीय स्टूडेंट थी, वो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 टेररिस्ट से जो कि रेस्टोरेंट में जिन्होंने हॉस्टेज कर लिया था। ओके, बाद में देखेंगे सोमालिया। सोमालिया, मोगादिशु, इसकी जो कैपिटल है वो है मोगादिशु, सोमालिया,
यहाँ पे भी एक इस्लामिक ग्रुप था, उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद टर्की, टर्की की मैंने आपको बताया इस्तांबुल कैपिटल नहीं है, अंकारा है इसकी कैपिटल, याद रखिएगा। जो लेकिन जो अटैक हुआ था वो इस्तांबुल में हुआ था, जो कि सबसे फेमस सिटी है। कई भारतीय पिक्चरों की, मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग भी हो चुकी है इस्तांबुल, इस्तांबुल में। उसके बाद में लीबिया, लीबिया की जो कैपिटल है वो त्रिपोली है, यहाँ पे भी आईएसआईएस ने अटैक किया था, तो इम्पोर्टेंट हुआ था लीबिया, त्रिपोली। यूएसए में भी अटैक हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी जो इसकी कैपिटल है, अटैक हुआ था वो ऑरिंडो में हुआ था, ऑरिंडो में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे निगर, नाइजीरिया, निगर। देखिए दो अलग अलग देश है, नाइजीरिया की जो है वो आपने देखा अबूजा कैपिटल है, और निगर की जो है वो निम्बे है, निम्बे। यहाँ पे बोको हराम नाम का एक टेररिज्म ग्रुप है सुन्नी पीपल का, सिया और सुन्नी दो होते हैं इस्लाम में, उसमें सुन्नी पीपल का बनाया हुआ है बोको हराम। तो ये कहाँ एक्टिव है सबसे ज़्यादा, निगर में एक्टिव है। तो यही भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, बोको हराम नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज़्यादा कहाँ है एक्टिव, कहाँ मैसाकेर किया है, तो ये सब निगर में है। काफ़ी पलायन भी हुए इस वजह से यहाँ पे। उसके बाद जर्मनी की मैं बर्लिन पहले पढ़ चुके हैं अपन, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, सीरिया, डमेस्कस, ये इंपॉर्टेंट है। सीरिया तो पिछले 2 साल से पेपर में हर 2 में से 1 पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है डमेस्कस, ठीक है। तो सीरिया की जो कैपिटल है वो डमेस्कस है। इराक बगदाद है, काफ़ी फेमस है। ईरान की तहरीन है, अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, अपना छाबर पोर्ट का अपने यहाँ पे पोर्ट बनाया है सलमा, ठीक है। छाबर पोर्ट बनाया अपने यहाँ पे, और एक रेल का एग्रीमेंट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, सलमा पोर्ट तो अफगानिस्तान में था, बनाया गया था, छाबर पोर्ट और रेलवे लाइन, ये 2 चीज़ें हैं जो अपने यहाँ पे करी थी। तो इसलिए ईरान और तहरीन, और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे देश और उनकी कैपिटल जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि उनकी कैपिटल के आगे बस सिटी लग जाना है, ये देखिए सिटी लग जाना है सिर्फ, ये वो सारे देश है। तो आपको देखिए देखिए 40 देश हमने पढ़े, 10 एक देश ये हो गए, तो आधे एक 25-30% आपके पास दुनिया की कंट्री आपको आसानी से याद हो जाएंगे उनकी कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 95% पॉसिबिलिटी यहीं से बनती है कि क्वेश्चन आए। अब 5% के पीछे आपको टाइम वेस्ट करना है, फिर ज़्यादा डीप में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो स्मार्ट स्टडी करना है कि जो जो देश इम्पोर्टेंट है अपन उन्हीं की कैपिटल और करेंसी को याद किया जाए। तो देखिए ये वो वाले देश हैं जिनकी कंट्री के नाम के आगे सिर्फ कैपिटल लग जाता है, जैसे मोनाको, मोनाको की जो कैपिटल है मोनाको है सिर्फ, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी है, पनामा, पनामा सिटी है, गोटमेला सिटी, वेटिकन का वेटिकन सिटी, कुवैत, कुवैत सिटी कैपिटल है, सैन मैरिनो, सैन मैरिनो सिटी इसकी कैपिटल है, ठीक है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, सिंगापुर, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी कैपिटल है, जहाँ पे पीएम मोदी की विजिट भी थी, अपन ने पहले पढ़ा है। ओके, तो ये सब है कंट्री और कैपिटल, और जो कि देशों के इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे अगर आप याद करेंगे, नियर बाय 50 देशों के आसपास ही हो पाए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 195। देखिए कितना ज़्यादा आपके पास मटेरियल कम हो गया है, और पॉसिबिलिटी 95% है। चाहे आप पेपर को एग्जामिन कर लीजिए, 10 साल के पेपर देख लीजिए, सभी भारत के बड़े बड़े, चाहे वो यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, चाहे कोई सा भी स्टेट बोर्ड का हो, ओके, चाहे कोई सा भी देख लीजिए, तो ऐसे कोई भी देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल इन्हीं में से बनते हैं, स्टैटिक जीके के, जो कि न्यूज़ में होते हैं। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे करेंसी, करेंसी को याद करने का तरीका क्या है। वैसे तो अपन ने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंसी और वो पढ़ ली है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दोनों पढ़ लिए, कौन से देशों की आपको पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको याद करने का आसान तरीका, याद करने का आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, कुछ एक तरीके हैं जिससे आप इजीली याद कर सकते हो कि कौन कौन से देशों की करेंसी कैसे है। बस आपको कुछ एक लाइन याद करनी है, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से देशों की करेंसी क्या है। देखिए सबसे पहले भारत की जो करेंसी वो रुपी है, रुपी से रिलेटेड बाकी जो करेंसी है वो है, देखिए ये सब रुपी, रुपया, रुफिया, ये सब। तो आपको सिर्फ रुपी, रुपया, रुपया ऐसे नाम जहाँ पे भी नजर आए पेपर में पूछे जाएं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो कोड है वो है मैन, मिस एंड पिक। एक मैन है, एक मिस है और एक पिक है, यानी कि एक सेल्फी ले लिए मैन और मिस। तो इस कोड से आपको ये देखिए कई सारी कंट्री
का याद हो जाएगा कि कहाँ पे रुपी रुपया रुपया चलता है। अगर ऐसा कोई भी नाम आया तो आपको सिर्फ ये याद करना है, ठीक है? ये याद करोगे आपको कई सारे कंट्री का याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हालांकि ये करेंसी अलग अलग है, रुपी कहीं रुपया है, नाम एक जैसे हैं लेकिन करेंसी अलग अलग है, उनकी वैल्यूज भी अलग अलग है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैन, MAN, मैन, MA, मालदीव्स, एन नेपाल, ये देखिए नीचे नीचे मालदीव्स MA और एन से नेपाल। उसके बाद देखेंगे मिस, MISS, एम से मॉरिशस, आई से इंडोनेशिया, एस से श्रीलंका, एस से सेशल्स, ठीक है? तो ये सारे देशों की कौन सी है करेंसी? रुपया है, या फिर रुपी है, या फिर रुपया है, ये सारे ही है। ऐसा देश जो भी नाम आपके सामने आए आपको इन्हीं में से ही पिक करना है। तो ओके, और पिक देखेंगे PIC, पिक, PIC, यानी कि सी आपको जो श्रीलंका का पहले जो नाम हुआ करता था वो साइलोन हुआ करता था, तो आप साइलोन को यहाँ पे ले लीजिए श्रीलंका के बजाय, तो आपको पता लगेगा कि PIC हो जाएगा कोड। तो मैन, मिस एंड पिक, मैन MA हो गया मालदीव्स, फिर नेपाल, मिस MISS, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सेशल्स, शेष अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, और PIC पाकिस्तान, इंडिया और साइलॉन जिसको श्रीलंका कहा जाता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रुपी रुपया रुपया कहीं पे भी करेंसी है तो इन्हीं में से है। नेक्स्ट देखेंगे अपन पौंड। देखिए पौंड यूके में चलता है, सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है, डॉलर से भी ज़्यादा करेंसी है, ऊंची करेंसी है अपने इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट कराया जाए तो उसको। तो यूके देखिए पी के सॉरी यूके लेस, यूके ने लेस कर दिया भारत को, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर आपका एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इन तीनों इतिहास में से सबसे जो खराब इतिहास जो रहा है वो मॉडर्न इंडिया का रहा है, बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर उनको इंग्लैंड के बोल लीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया, यूके के लोगों ने क्या किया, भारत को लेस कर दिया, कम कर दिया, इसीलिए पौन आते ही यूके लेस। अब कई सारे देशों की आपको इजीली याद हो जाएगी, यूके लेस। ओके, यूके, यूके तो पता ही, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। उसके बाद लेस, LESS, लेस देखिए लेबनान, ई से इजिप्ट, एस से साउथ सूडान और एस से सीरिया। तो पौंड इन सारे पांचों देशों के अंदर चलती है, जैसे कि यूके लेस, लेबनान, इजिप्ट, साउथ सूडान, सीरिया। सीरिया में भी पौंड है। ओके, साउथ सूडान आखिरी मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, 193rd मेंबर, याद रखने वाली बात है। उसके बाद में सीरिया, सीरिया में काफ़ी इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेंसी है वो पौंड है, पाउंड है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ की पाउंड करेंसी है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, यूके लेस, जिससे आपके पांच देशों की करेंसी याद हो जाएगी। अगला देखेंगे पीसो। देखिए पीसो जब करेंसी आती है तो पहला आपके दिमाग में आना चाहिए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के जो ज्यादातर देश हैं, जहाँ ये वही देश है जहाँ पे पीसो चलता है। पीसो, पीसो को याद करने के लिए आपको एप्पल का दिख रहा होगा यहाँ पे साइन। देखिए मैक, मैकबुक आती है एप्पल की, जैसे विंडोज डेल में चलता है वैसे मैक एप्पल में चलता है, वैसे मैक सी CPU, मैक का कंप्यूटर का CPU बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज है। तो इससे याद कर लीजिए मैक के जो कंप्यूटर है सी, उसके CPU बहुत तेज है। तो आपको याद हो जाएगा कि 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 देशों के आपको इजीली करेंसी याद हो जाएगी पीसो, जिसके अंदर अंदर से सिर्फ फिलीपींस को छोड़ दीजिए, बाकी सारे देश आपको साउथ अमेरिका के मिलेंगे, ठीक है? ये एक साउथ ईस्ट एशिया है, फिलीपींस छोड़ दीजिए, इसके अलावा सारे ही साउथ अमेरिका के हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि पीसो या करेंसी आते ही आपके दिमाग में सबसे पहला आइडिया आना चाहिए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे जहाँ पे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ये सब बड़े बड़े देश हैं, फुटबॉल बहुत फेमस है यहाँ पे। तो आप देखेंगे मैक, MAC, मैक, एम से हो गया मैक्सिको, ए से हो गया अर्जेंटीना, सी से हो गया चिली, सी से होगा क्यूबा। क्यूबा जहाँ पे आपकी एक मूवी थी, बॉलीवुड मूवी एक था टाइगर, उसकी शूटिंग भी हुई थी, काफ़ी फेमस हुआ था क्यूबा उस वजह से।
उसके बाद कोलंबिया, पराग्वे और फिलीपींस। ये फिलीपींस है, ये पराग यूराग्वे है, माफ कीजिएगा, यूराग्वे। तो ये सारे जो देश हैं, 7 देश हैं, इनकी कैपिटल, इनकी जो करेंसी है वो पीसो है। जैसे मैक, जो मैक की जो अपन ने बात करी है, MAC मैक, उसके बाद सी मैक के कंप्यूटर, सी क्यूबा, सी के सीपीयू बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी कि सीपीयू कोलंबिया, फिलीपींस और यूरोगवे। ओके, तो इससे आप पीसो की आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी पीसो आए याद रखिएगा साउथ अमेरिका, जब भी पीसो आए साउथ अमेरिका याद करना सबसे पहले। नेक्स्ट देखेंगे नॉन यूरो, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ यूरो नहीं चलता। देखिए यूरोप बहुत बड़ा है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, तो और अधिकतर देशों में यूरो ही चलती है करेंसी। तो सारे देशों के अपन यूरो याद करें, इससे बढ़िया है अपन ऐसे देश याद करें जहां पे यूरो नहीं चलता है, ये याद करना आसान है, क्योंकि ऐसे आपके पास मुश्किल से 7 या 8 कंट्री हैं जहां पे यूरो नहीं चलता है। अदरवाइज इन कंट्री के अलावा कभी भी कोई कंट्री का पूछा जाए तो आप यूरो वहां पे टिक कर सकते हैं आसानी से। तो आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ इतना पढ़ना है कि कौन से देश यूरोप में यूरो फॉलो नहीं करते हैं, वहां की करेंसी कुछ अलग है, जिसमें से कई सारे नाम तो आपको एक जैसे मिलेंगे। जैसे कि देखेंगे आप बुल्गारिया, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया यूरोप के जो संपन्न देश हैं, बुल्गारिया रोमानिया दोनों की जो करेंसी है वो लीव है, LEV, लीव। ओके, उसके बाद देखेंगे क्रोएशिया, देखिए CC, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, दोनों की जो करेंसी है वो कूना एंड कोरोना है। हालांकि दोनों करेंसी अलग है क्योंकि नाम भी अलग है, लेकिन दोनों ही के से स्टार्ट हो रहे हैं, कूना एंड कोरोना, कुरुना। तो क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक दोनों की करेंसी क्या है, कूना। इसकी क्रोएशिया की कूना है, चेक रिपब्लिक की कोरोना है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। डेनमार्क क्रोन है, डेनमार्क, देखिए NSD, आपने ये NSD का नाम सुना होगा शायद, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बहुत फेमस कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही ऊपर रैंकिंग पे है, बहुत ही संपन्न देश हैं। तो इसमें से स्वीडन और डेनमार्क 2 देश हैं, ये नॉर्वे है। NSD को आप याद कर लीजिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के अंदर है NSD, उससे याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है फिल्म एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, NSD। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसमें जो 2 देश हैं इनकी एक जैसी है करेंसी, स्वीडन की क्रोना है, ये देखिए क्रोना, और डेनमार्क की क्रोन है, तो क्रोना एंड क्रोन। तो ये आपको दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आपको क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक का याद हुआ है, दोनों सी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों के नाम, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ के, ओके, ये कूना है, यहाँ पे कोरोना है। और उसके बाद में जो अलग है वो है हंगरी जिसकी फॉरिंट है, और पोलैंड जिसकी ज्लोटी है, ये 2 करेंसी अलग है, हंगरी की है फॉरिंट और पोलैंड की है ज्लोटी, ये देखिए। तो आपको आसानी से ये देश अगर याद हो गए तो उसके बाद में हर देश, जो देश आना है यूके के अलावा, क्योंकि तो वो यूरोपियन यूनियन छोड़ चुका है, उसके अलावा ज़्यादातर देश की जो करेंसी है वो यूरो ही है। तो आपको सिर्फ ये नाम याद करना है, इसके अंदर से मैंने आपको बताया बुल्गेरिया रोमानिया की एक ही है, लीव लीव, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक की कैसे स्टार्ट है, कूना कुरुना, NSD, SD यानी कि स्वीडन डेनमार्क की भी एक जैसी है, क्रोने क्रोना, बाकी हंगरी की फॉरेंट और पोलैंड की जोलोटी, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट देखेंगे दिनार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है, अगर रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो कई देशों के दिनार 200 रुपये से भी ऊपर है, उनका 1 रुपया अपना 200 रुपये से भी ऊपर है, कई स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, डॉलर पाउंड से कई ज़्यादा दिनार। तो दिनार के लिए आप याद कीजिए लीजिए बिस्किट। देखिए आपके घर में कोई मेहमान आता है कभी, तो आप उसको चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में बिस्किट भी देते हैं, तो आपको बिस्किट नहीं यहाँ पे बिस्कट, बिस्कट याद रखना है, बिस्कट, तो LIJ बिस्कट। अब कई सारी देखिए करेंसी याद हो जाएगी आपको, LI लीबिया, देखेंगे ये रहा लीजे, LI, ये आपका लीबिया हो गया LI। उसके बाद जे से जॉर्डन, लीजे, बिस्कट, बिस्कुट की जगह बिस्कट कर दीजिए, BISKAT। बी से हो गया बहरेन, आई से इराक, एस से सर्बिया, के से कुवैत,
अल्जीरिया, टूनेशिया। देखिए मेजरली जो देश है ये वो है, इनको मीना कंट्रीज बोलते हैं, यानी कि अफगानिस्तान के वेस्टर्न साइड पे हैं, यूरोप के सदर्न साइड के ऊपर हैं, कई सारे देश हैं, इजिप्ट जो कि अफ्रीका के ऊपर हैं, तो इन सबको मीना कंट्रीज का नाम जाना जाता है। तो ये सारे कंट्रीज वो सारे हैं दुबई के आसपास में, सारे के सारे तो ये सब रिलेटेड है। देखिए लीबिया एक सर्बिया है जो कि थोड़ा अलग कंट्री है, बाकी सारे एक जैसे ही हैं थोड़े से। लीबिया LIBJ, बिस्किट BISKAT, बहरीन, इराक, सर्बिया KAT, कुवैत, अल्जीरिया और टूनिशिया। तो इस तरीके से आप एक कोड याद कीजिए दिनार का और आपको आसानी से याद हो जाएगा LJ LIJ बिस्किट किसका है, दिनार का है। उसके बाद देखेंगे आप डॉलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है डॉलर के बारे में, काफ़ी फ्रिक्वेंटली। बड़े बड़े कंट्री का नहीं पूछा जाएगा कभी भी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लेकिन हाँ जो ताइवान, बाकी जो है जिम्बाब्वे, फिजी, इनका काफ़ी पूछ लिया जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, दुनिया को चला रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है डॉलर। तो आप ये फोटो देख रहे होंगे, इससे आपको एक चीज़ तो आइडिया लग गया होगा कि एक ताज है और एक चाय है, कॉफ़ी है, साथ में जाकिर हुसैन साहब हैं। तो ये देखिए आपकी, ये भारत में काफ़ी फेमस ब्रांड है ताज, तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि कैफ़ी, चाय की जगह कॉफ़ी को मान लीजिए कैफ़ी, कॉफ़ी को कैफ़ी बोलते हैं कई बार, तो कैफ़ी ताज लाइम US। US तो देखिए सभी को पता है डॉलर, US में डॉलर चलता है, ये तो बहुत आम बात है, इसको आप याद रखो ना रखो एक ही बात है, लेकिन कैफ़ी ताज लाइम अगर आपने इतना याद कर लिया तो कई सारे देशों के आपको याद हो गए, ठीक है, कई सारे देश नियर बाय 6-7 देशों के आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैफी CAFI, कैफी CA रिप्रेजेंट कर रहा है कनाडा को, कनाडा में क्या चलता है, डॉलर चलता है, अपन ने देखा था पहले भी, पढ़ा था कैनेडियन डॉलर। उसके बाद में FI फिजी, जहाँ पे कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने विजिट भी की थी फिजी की। उसके बाद में टैज TAZ, टैज टी से हो गया ताइवान, ए से ऑस्ट्रेलिया, जैड से जिम्बाब्वे, जैड से जिम्बाब्वे, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं टी से ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। फिर लाइन LINE, लाइन LI से हो गया लिबेरिया और NE से हो गया न्यूजीलैंड, NE न्यूजीलैंड। तो मेजरली अगर आप देखेंगे ना तो सदर्न हेमिस्फीयर के देश हैं सारे के सारे, जैसे अगर इंडिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओके, यहाँ पे फिजी, उसके ऊपर आगे जाते थोड़ा कनाडा आएगा, अमेरिका, तो ये सारे देश हैं जो कि सदर्न, कई सारे सदर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करते हैं, तो ये वहाँ पे करेंसी ज़्यादातर डॉलर, जो कि काफ़ी संपन्न देश भी हैं। देखिए आपके, देखिए कनाडा देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड, US देखिए, ओके। उसके बाद में जो अलग कंट्री है जो कि अजीब लगता है सुन के कि डॉलर वहाँ चलता होगा क्या, वो है फिजी, ताइवान, जिम्बाब्वे, लिबेरिया, ये सारे देश हैं। उसके बाद में कुछ और करेंसी, कुछ और देशों की करेंसी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आसानी से याद भी हो जाएगी आपको, आपने कई बार सुन भी रखा होगा न्यूज़पेपर में, लेकिन एक बार उनको देखते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। रूबल, रूबल जैसे मैंने शुरू में बताया रशिया में चलता है, देखिए रूबल के नाम के अंदर ही दो देशों के कैपिटल, सॉरी करेंसी कंट्री छुपे हुए हैं, रूस से हो गया रशिया, बियाली से हो गया बेलारूस। तो रूबल, जब भी रूबल आता है तो दो देश होंगे, रूस से रशिया BL और बी से बेलारूस, तो इन दो देशों में रूबल चलता है। रियाल, रियाल अपन ने शुरू शुरू में देखा था पीएम मोदी जी की विजिट थी, स्टार्ट जो हुई थी ईरान से, सऊदी से अपन ने स्टार्ट किया था, जो ईरान से सऊदी अरेबिया से, तो यहाँ से, यहाँ पे चलता है रियाल, सऊदी अरेबिया, ईरान, यमन, ओमान, ओके, CO, CO याद करेंगे तो रियाल याद हो जाएगा, सऊदी, ईरान, यमन, ओमान। उसके बाद में मैंने एक चीज़ और डिस्कस करी थी आपसे, येन और युआन के बारे में, येन जापान में चलता है, युआन या फिर रेंगमी भी चाइना में चलता है, तो इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं रहना आपको, बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार पूछा जाता है, कई बार, क्योंकि जापान ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो शिंजो एबे, वो जब भारत आए थे तब काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, मेट्रो को लेके भी हुए थे, सॉरी बुलेट ट्रेन को लेके हुए थे, अहमदाबाद,
से बॉम्बे के बीच में जो पहली बुलेट ट्रेन चल रही है उसके को टायर्स को लेके हुए थे। तो इसकी करेंसी और कैपिटल दोनों इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बाट बहुत ही फेमस प्लेस है थाईलैंड, भारत के टूरिज्म के काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो थाईलैंड की जो जो करेंसी है वो है बाट। उसके बाद में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अपन ने पढ़ी थी, वॉन, दोनों की ही वॉन है। दोनों देशों में बहुत फ़र्क है, ये बहुत ही डेवलप्ड देश है, ये बहुत पीछे है। SDI रिपोर्ट के अंदर ये काफ़ी ऊपर है, ये काफ़ी नीचे है। करप्शन में ये काफ़ी ऊपर है, करप्शन कम करने में साउथ कोरिया में करप्शन कम है, नॉर्थ कोरिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो दोनों में लेकिन जो करेंसी है वो वॉन चलती है, वॉन नाम से। उसके बाद में यूरो स्विट्जरलैंड में चलता है और फ्रैंक भी चलती है यहाँ पे। फ्रैंक और यूरो दोनों के दोनों करेंसी यहाँ पे चलती है। तो ये सारा अपना पहला टॉपिक था जो आज कंट्री करेंसी कैपिटल ये अपन ने कवर किया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इन्हीं को थरोली पढ़ेंगे, इन्हीं कंट्रीज को देखेंगे, कैपिटल को देखेंगे, जो कि 95% पेपर के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी आपके। तो ये हमारा था आज का पहला टॉपिक स्टैटिक जीके का। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो अपन सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, दैट इज़ फ्रॉम wifistudy.com। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।